नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सेमेस्टर 6 के कोर पेपर 13 का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले। जितने भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं उनके आने की संभावना 90% है, इसलिए कोई भी प्रश्न आप ना छोड़ें। प्रश्न संख्या 2 है, सुरक्षा परिषद के संगठन एवं कार्यों का वर्णन करें। सुरक्षा परिषद का जो है संगठन क्या है और इनका जो है क्या कार्य है, इसके बारे में आपको पूछा गया। तो चलिए बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में इसका आंसर को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन आप 5 से 8 लाइन में दे सकते हो। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से सुरक्षा परिषद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना है। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का, तो ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने का कार्य करती है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होता है और 10 अस्थायी सदस्य होता है। जो 5 अस्थायी सदस्य होता है उनके पास वीटो शक्ति प्राप्त होती है, जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को शांतिपूर्वक या सैन्य कार्यवाही द्वारा निपटारा करवाता है। इस संगठन को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति का भी सिपाही माना जाता है। अगर बात करें सुरक्षा परिषद की, तो सुरक्षा परिषद दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा सबसे प्रमुख मंच है। यह एक ऐसा संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कार्य करता है। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं जो परमानेंट होते हैं, जबकि 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 वर्षों में बदल दिए जाते हैं। 5 अस्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति प्राप्त होती है। वीटो शक्ति एक विशेष शक्ति होती है जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध के दौरान प्रयोग किया जाता है। जिन देशों को वीटो शक्ति प्राप्त होता है वह एक शक्तिशाली राष्ट्र होता है, जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध होने पर उन सभी वीटो प्राप्त देशों द्वारा उस पर एक्शन लिया जाता है। अगर बात करें सुरक्षा परिषद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को पहले शांतिपूर्वक द्वारा सुलझाने का प्रयास करती है। अगर मान लो कोई भी मुद्दा शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाया नहीं जा सकता, तो ऐसे स्थिति में सुरक्षा परिषद सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है, क्योंकि सुरक्षा परिषद को इतनी शक्ति दी गई है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इस संगठन को जो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति का सिपाही माना जाता है। ये प्रश्न आप ध्यान रखना, आपको पूछा जा सकता है MCQ में कि सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है, तो सुरक्षा परिषद को शांति का सिपाही भी कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं सुरक्षा परिषद का जो है संगठन किस प्रकार से है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर 15 सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, जबकि बात करें 5 अस्थायी सदस्य चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस हैं। इनके पास वीटो शक्ति प्राप्त है। यह एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें सुरक्षा परिषद की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का यह एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर इसमें 15 सदस्य होते हैं। 10 जो अस्थायी सदस्य होता है वो केवल 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, जबकि जो 5 अस्थायी सदस्य होता है वो हमेशा के लिए परमानेंट होता है। 5 अस्थायी सदस्यों में चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस शामिल है। इनको जो है वीटो शक्ति प्राप्त है। दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो 10 अस्थायी सदस्य होता है वो केवल 2 वर्षों के लिए ही चुना जाता है। 2 वर्षों के बाद जो है किसी और देश को मौका दिया जाता है। जो देश 2 वर्षों तक कार्य कर लेता है उसके बाद उसी वर्ष दोबारा जो है उसको नहीं चुना जा सकता है। जिन देशों के पास वीटो शक्ति प्राप्त है वह किसी भी युद्ध के आपातकालीन स्थिति में वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए। सुरक्षा परिषद में पहले 6 अस्थायी सदस्य थे, लेकिन 1965 में 5वें चार्टर में संशोधन करके अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। अगर बात करें दोस्तों सुरक्षा परिषद की, तो इसमें पहले 6 अस्थायी सदस्य थे, लेकिन 1965 में 5वें चार्टर में संशोधन करके अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। अब सवाल उठता है चार्टर क्या है, तो यह जो है एक अधिकार पत्र है। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करता है। यहाँ पर कोई भी राष्ट्र कभी भी नियुक्त नहीं किया जा सकता, निर्वाचन नहीं किया जा सकता, बल्कि 2/3 बहुमत जिसको मिलते हैं वही 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। जिस देश का कार्यकाल समाप्त हो जाता है उनको उसी साल पुनः उम्मीदवार के रूप में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। जैसे कि हमने आपको बताया कि कोई भी अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए भाग ले लिया और उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो 2 वर्षों के बाद जो है वह पुनः उम्मीदवार के रूप में भाग नहीं ले सकता। सुरक्षा परिषद के सदस्यों को विश्व स्तर पर युद्ध छिड़ने का आशंका होने पर सैन्य कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त होता है। सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं अगर उनको लगता है कि विश्व स्तर पर युद्ध छिड़ने वाला है
तो सैन्य कार्यवाही भी कर सकता है। नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बनाने के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश की आवश्यकता होती है, तभी यूएनओ का सदस्य बन सकता है। अगर किसी भी नए राष्ट्र को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल करना है तो ऐसे स्थिति में सुरक्षा परिषद की सिफारिश की आवश्यकता होती है, तभी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल किया जा सकता है। 1970 के दशक में भारत सहित 19 गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाने की मांग की, परंतु अमेरिका तथा सोवियत संघ जैसे देशों ने सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से कुशलता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ऐसा बताया। 1970 के दशक में भारत सहित 19 गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने सुरक्षा परिषद की संख्या बढ़ाने के लिए कहा, परंतु अमेरिका तथा जो सोवियत संघ था उन्होंने कहा अगर सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाएगी तो ऐसे स्थिति में जो है कुशलता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा एवं शांति को बनाए रखने में समस्या हो सकती है। इस तरह सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या को जो है सीमित कर दी गई है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य ही होंगे। सुरक्षा परिषद के कार्य, अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि सुरक्षा परिषद के आखिर कार्य क्या है। सुरक्षा परिषद का प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद का जो प्रमुख कार्य है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना है। किसी भी मुद्दे को पहले बातचीत द्वारा सुलझाने का प्रयास किया जाता है। जब बातचीत से विवाद नहीं सुलझाया जा सकता है तो सैन्य कार्यवाही द्वारा विवादों का निपटारा किया जाता है। जब कभी दो देशों के बीच कोई विवाद चलता है तो ऐसे स्थिति में सुरक्षा परिषद जो है किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए सबसे पहले बातचीत के रास्ते को अपनाता है। जब बातचीत द्वारा उस विवादों को नहीं सुलझाया जाता है तो ऐसे स्थिति में सैन्य कार्यवाही भी किया जाता है किसी भी विवादों का निपटारा करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व युद्ध की संभावना होने पर उस राष्ट्र का विरोध किया जाता है तथा उनके हथियारों को भी सीमित किया जाता है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो ये है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब लगता है कि विश्व युद्ध होने वाला है ऐसे स्थिति में जो राष्ट्र पहले युद्ध की संभावना को फैलाता है उस राष्ट्र पर जो है सुरक्षा परिषद द्वारा दबाव बनाया जाता है, उन्हें समझाया जाता है, उनके हथियारों को सीमित किया जाता है और अगर इनसे नहीं मानता है तो सैन्य कार्यवाही भी किया जाता है। सुरक्षा परिषद किसी भी बड़ी घटना या विवादों की जांच का आदेश जारी कर सकता है क्योंकि इनके पास पूरे विश्व की शक्तियां निहित होती है। अगर किसी राष्ट्र द्वारा उनके आदेशों का उल्लंघन करता है तो सुरक्षा परिषद उन पर सैन्य कार्यवाही भी कर सकता है। अगर बात करें दोस्तों सुरक्षा परिषद की, तो सुरक्षा परिषद किसी भी बड़ी घटना या विवादों की पहले जांच करता है, उस पर आदेश देता है क्योंकि इनके पास पूरे विश्व की शक्तियां प्राप्त होती है। अगर किसी राष्ट्र द्वारा उनके आदेशों का उल्लंघन किया जाता है ऐसे स्थिति में सुरक्षा परिषद उनको पहले बातचीत द्वारा समझाने का प्रयास करता है। अगर बातचीत द्वारा वह नहीं समझता है तो उन पर जो है सैन्य कार्यवाही भी कर सकता है क्योंकि पूरे विश्व की शक्तियां इनके हाथों में निहित होती है। सुरक्षा परिषद के कुछ प्रमुख कार्य हैं जो इस प्रकार से है, जैसे कि सुरक्षा परिषद अपने आंतरिक मामलों का निर्णय स्वयं लेता है। सुरक्षा परिषद जो संगठन है वो अपने आंतरिक मामलों का निर्णय स्वयं लेता है, कोई और मंच नहीं ले सकता, जैसे महासभा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। दूसरा, शांति एवं सुरक्षा संबंधी मामलों में निर्णय लेने का अधिकार केवल सुरक्षा परिषद को ही है। शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए अगर कोई निर्णय लेता है तो वह सुरक्षा परिषद ही है जो निर्णय लेता है। तीसरा, शांति भंग करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार भी जो है केवल सुरक्षा परिषद के पास ही होती है। अगर कोई राष्ट्र शांति भंग करने का प्रयास करता है तो ऐसे स्थिति में सुरक्षा परिषद उन पर कार्यवाही कर सकता है। चौथा, सुरक्षा परिषद के बैठक में अधिकतम 15 सदस्य उपस्थित होते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि सुरक्षा परिषद में केवल जो है 15 सदस्य होते हैं, इसीलिए इसके बैठक में अधिकतम 15 सदस्य शामिल होते हैं, जिसका कार्य गंभीर विषयों पर विचार एवं विमर्श करना तथा निर्णय देना होता है। जब कोई गंभीर विषय होता है, कोई विवाद होता है, तो उन पर विचार करना या निर्णय देना सुरक्षा परिषद का कार्य होता है। नंबर 6, सुरक्षा परिषद में किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए 15 में से 9 मतों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो ये है कि सुरक्षा परिषद में अगर कोई मुद्दों पर निर्णय लेना है तो ऐसे स्थिति में वहाँ पर कुल संख्या 15 होती है और 15 में से अगर 9 मत प्राप्त हो जाते हैं तो वहाँ पर जो है उस मुद्दों पर निर्णय ले लिया जाता है। यदि 15 में से 9 मत प्राप्त ना होने पर उस मामले को रद्द कर दिया जाता है। अगर कोई भी मामला है, अगर 15 में से 9 मत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे स्थिति में उस मामला को जो है सुरक्षा परिषद रद्द कर देता है। उसके बाद है निष्कर्ष। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना है। यह संगठन जिन उद्देश्यों के लिए बनाया गया वह कुछ हद तक ही सफल रही, क्योंकि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य अपने वीटो शक्ति का दुरुपयोग करता है। अगर बात करें दोस्तों निष्कर्ष की, तो यहाँ पर आप 3 से 4 लाइन निष्कर्ष भी लिख सकते हो। इससे जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा उसको काफी प्रभावित करेगा,
और इसमें आपके 2 से 4 नंबर भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए आप कोई भी प्रश्न में निष्कर्ष जरूर लिखें। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी जिम्मेदारी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। यह संगठन जिन उद्देश्यों के लिए स्थापित करी गई थी वह कुछ ही हद तक सफल रही। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि सुरक्षा परिषद में केवल 5 सदस्य अस्थायी सदस्य होते हैं जिनको केवल वीटो शक्ति प्राप्त है। ऐसे स्थिति में ये सभी शक्तिशाली राष्ट्र उस वीटो शक्ति का दुरुपयोग करता है। वह आपसी संघर्ष में उस वीटो शक्ति का प्रयोग करता है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए करता है। यही कारण है कि जिस उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करी गई थी वह कुछ हद तक ही कारगर साबित हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो कृपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। एक वीडियो बनाने में दोस्तों काफ़ी मेहनत लगता है, जैसे कि आप देख सकते हो। ऐसे में आपका अगर एक सब्सक्राइब मिल जाता है, एक लाइक, एक कमेंट मिल जाता है तो हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।